फ्रेंड्स नमस्कार, ये ज़रूरी जानकारी उन लोगों के लिए है जो सिर्फ INR चाहते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल कुछ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल और इजी सा प्रोसेस है। पहले क्या था, ADS एक्सचेंज से आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे जाते थे। अब क्या है, अब आपके ADS एक्सचेंज से पैसा कहाँ जाएगा, जहाँ पहले डायरेक्ट जाता था, अब उससे पहले क्रिप्टो बैंक में जाएगा, सन क्रिप्टो में, वजीरेक्स में, जो भी आपके पास है। सीधी सी बात समझिए कि आपका पैसा ADS एक्सचेंज से सन क्रिप्टो में जाएगा और सन क्रिप्टो से डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। फ़र्क इतना सा, थोड़ा सा फ़र्क हो गया है, पहले जहां डायरेक्ट जाता था, अब बीच में आपका एक मीडिएटर बैंक और आ गई है। मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। पहले ADS एक्सचेंज टू डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट था, अब क्या है, ADS एक्सचेंज और आपके पर्सनल बैंक अकाउंट के बीच में क्रिप्टो का बैंक भी ऐड कर दिया गया। ये ज़रूरी था और उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा, इसका लॉजिक बता रहा हूँ कि आपके लिए आसान क्या होने वाला है। अब आपको KYC ADS एक्सचेंज में KYC करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो आपके बीच में क्रिप्टो बैंक अकाउंट आ गया है, उसमें KYC कर दीजिए। उसके लिए भी बताऊँ, आपके बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, 15 साल, 17 साल, 18 साल, या किसी के पास पैन नहीं है, आधार नहीं है, तो आप सन क्रिप्टो में अपने पूरे परिवार में से किसी एक बंदे के नाम से KYC कर सकते हो, और आपके पास जो भी एक दो ID है, सबका पैसा एक ही अकाउंट में ले सकते हो। अब आपके लिए तो और भी आसान है, और सन क्रिप्टो की KYC मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर में हो जाती है, वहाँ घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो बीच के चार्जेज है ना, सन क्रिप्टो, आपका ADS एक्सचेंज, सन क्रिप्टो और आपका बैंक अकाउंट, इसके बीच के जो चार्जेज हैं वो मुश्किल से 10-15-20 रुपए के बीच में ही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों है, ध्यान से समझिएगा। INR आप वैसे भी, क्या आप अपने बैंक अकाउंट में INR 10-20-50 लाख, 1-2 करोड़ रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, तो भी आपके लिए खतरा ही है। इससे अच्छा है कि जब आपके बीच में क्रिप्टो बैंक होगा, जब आप ADS एक्सचेंज से विड्रॉल करेंगे, हो सकता है आज आपका विड्रॉल 1,000, 2,000, 3,000 का हो, लेकिन अगर आप काम करते रहे तो ऐसा टाइम आएगा कि आपका भी विड्रॉल 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रोज का होगा। तो क्या, ईमानदारी से बताना, क्या 1,50,000 रुपये रोज के विड्रॉल आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ले सकते हो? वहाँ भी गवर्नमेंट का सवाल आएगा। लेकिन अगर वो आपका पैसा क्रिप्टो बैंक में गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब क्रिप्टो बैंक से आपको 10 रुपये की ज़रूरत है, वही उतना बैंक में ले जाइए, 50,000 की ज़रूरत है वही लेके जाइए, बाकी सारा का सारा पैसा उसमें पड़ा रहने दीजिए। आप उसमें करोड़ों करोड़ों करोड़ रखेंगे क्रिप्टो बैंक में, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो छोटा सा प्रोसेस बीच में ऐड कर दिया गया है, इसके लिए बिल्कुल। तो दोस्तों अभी आप लोग रुमारे सर को सुन रहे थे, जिन्होंने आपको ये जो विड्रॉल प्रोसेस चेंज हुआ है उसके बारे में बताया है। और उसके लिए कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा प्रोसेस है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और भी अच्छे अपडेट्स आपके लिए लाते रहूँगा।